आकांक्षा दुबे मामले को आज एक सप्ताह से अधिक हो गए और पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। और आप देख सकते हैं एक जो सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, होटल की सीसीटीवी फुटेज है जहां आकांक्षा दुबे उस रात को ठहरी हुई थी, जिस रात आकांक्षा दुबे के मौत की घटना सामने आई। आपको बता दें प्रथम दृष्टिया इस मामले की आई कि आकांक्षा दुबे अपने दुपट्टा से ही अपने कमरे में, जिस होटल रूम में वह ठहरी हुई थी, उसमें अपने आप को फंदा लगा लिया। लेकिन उनकी माता जी का कहना है कि यह मेरी बेटी आत्महत्या नहीं बल्कि उसे मार कर लटकाया गया है, वह आत्महत्या करने वाली नहीं है। इसके पीछे समर सिंह और एक संजय सिंह, उनका नाम उनकी माता जी ले रही हैं। लेकिन अभी तक पुलिस किसी भी मामले को अभी तक मतलब अधिकारी पुष्टि नहीं किया गया है कि आखिरकार मामले के पीछे कौन है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं, यह सीसीटीवी फुटेज उस रात की है, उस वक्त की है जब आकांक्षा दुबे बनारसी के होटल में ठहरी हुई थी, और उसी होटल की यह सीसीटीवी फुटेज जो अब वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं देर रात आकांक्षा दुबे बर्थडे पार्टी से वह आती है होटल में, और उनके साथ में यह जो व्यक्ति है, जो बताया गया कि 17 मिनट तक कमरे के अंदर में था आकांक्षा दुबे के कमरे के अंदर, और वहीं आकांक्षा दुबे को साथ में लेकर आया, जो कि आप सीसीटीवी फुटेज में साफ देख सकते हैं कि यह जो लड़का साथ में किस प्रकार सीढ़ी से आकांक्षा दुबे के साथ में आ रहा है ऊपर, और आप देख सकते हैं कि आकांक्षा दुबे भी साथ में है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, अलविदा कह दी इस दुनिया को। और मामले में अभी भी पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, क्या इसके पीछे सच्चाई है, इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या मकसद थी। अगर आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या ही की तो आखिरकार क्यों की, इन तमाम चीजों में पुलिस छानबीन कर रही है। हालांकि कई लोग कई तरह के बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं हुआ है, तो जब तक अधिकारी पुष्टि नहीं होती है। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार यह जो होटल कमरे के सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई उसमें आप साफ देख सकते हैं कि आकांक्षा दुबे के साथ, भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के साथ एक व्यक्ति है जो कि होटल में उनके साथ आकांक्षा दुबे के साथ में किस प्रकार उनके साथ में आया, और कमरे के अंदर 17 मिनट तक, यह जो खबर सामने आई कि 17 मिनट तक कमरे के अंदर में था, आखिरकार उसके बाद क्या कुछ हुआ, इसी मामले को सुलझाने में, इसी मामले को जानने में पुलिस लगी हुई है कि आखिरकार क्या पूरा मामला है। देखिए आकांक्षा दुबे के प्रथम दृष्टिया जो खबर सामने आई, जब सुबह में कमरे को खोला गया पुलिस के समक्ष, तो जो खबर सामने आई कि देखा गया कि उन्होंने अपने दुपट्टा से गर्दन में लपेट कर और फंदे से झूल गई थी आकांक्षा दुबे। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और दोषियों को तलाशने में लगी है, पूरी मामले को अच्छी तरह से जानने में लगी है। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक किसी भी प्रकार का आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, तो बिहार एक सोच भी इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।